मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव जी को ढूंढते हुए कैलाश के मानसरोवर झील के पास आती है और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, हे स्वामी, आज आप कैलाश में नहीं थे। मैं आपकी प्रतीक्षा में बहुत विचलित हो रही थी। आप मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। हे प्राणनाथ, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दे कि मैं सदैव आपके साथ रहूंगी, और जब भी मुझे आपकी याद आए तो मैं स्वयं वहां पर अपनी दिव्य शक्ति से उपस्थित रहूं। मित्रों, तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, अगर आप मुझे प्रेम पूर्वक मन की आंखों से देखती तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। हे गौरी, आज आपने मुझे वरदान मांगा है तो मैं उसे आपको अवश्य ही दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। आपको मेरे इस वरदान को पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करते हुए इस कथा का प्रसार करना होगा। तब देवी पार्वती अत्यंत उत्साह के साथ कहती है, हे प्रभु, क्षमा करें, आपकी इस कथा को मैं पूरे हृदय के अंतर्मन से सुनूंगी और इसका प्रसार भी करूंगी। मित्रों, तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, जो भी इस कथा का श्रवण करता है मैं उसके समस्त पापों को नष्ट करता हूं, और इस कथा के सुनने मात्र से ही उस प्राणी को मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप ही इस समस्त चराचर के स्वामी हैं, आप ही आदि और अनंत हैं। आपकी इस पावन कथा का श्रवण करना मेरा और समस्त मानव जाति का सौभाग्य है। कृपा करें और इस पवित्र शिवलीला कथा, जिसे सुनने मात्र से अमृत पान के समान सुख की प्राप्ति हो, उसे सुनाई। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में एक शिकारी वन्य जीवों का शिकार कर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह हर दिन जंगल में जाकर शिकार करता था, यही उसका नित्य काम था। इसे करते करते वह अत्यंत पापी, निर्दयी और निष्ठुर बन चुका था, मानो जैसे कि वह जंगली बाघ की भांति जंगली जानवरों को मार कर खाता था। उसके पाप बहुत बढ़ चुके थे। फिर एक दिन की बात है, वह जंगल में शिकार के लिए निकला, किंतु दिन भर भाग दौड़ करने पर भी उसे कोई शिकार प्राप्त ना हुआ। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। मित्रों, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए पड़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिराई, वे संयोग से उस शिवलिंग पर जा गिरी। शिकार की राह देखता देखता वह बिल्व पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी छड़ गए। इस तरह वह अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया, और अभी रात्रि हो चुकी थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोर खींची, तभी अचानक से वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, अब मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है, तुम्हें इसका महापाप लगेगा, जो निंदनीय कर्म है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार कर अपनी भूख को शांत करना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरणी की ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरणी की बातें सच्ची लगी। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा डीली कर दी और दूसरे ही क्षण वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरणी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया, यह सोच ही रहा था। हिरणी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब दूसरी हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही रत्तू से निवृत्त हुई हूँ तथा काम भावना विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ वापस आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर उस शिकारी का मन उस हिरणी की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। दो बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। अब उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा
तो खुद ही भूख के कारण मर जाऊंगा। मित्रों, अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक हिरणी अपने दो बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, आज तो दावत होने वाली है, यह कैसा दुर्लभ सुवर्ण अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी, कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ, आप इस समय मुझे मत मारो, इन्हें छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी, मैं इस संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरनी के ऐसे वचन सुन शिकारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं, मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़पकर व्याकुल हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी के करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई, उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था, तभी तो एक दृष्टपुष्ट बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु जब उस शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन हिरणों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन्हीं हिरणियों का पति हूं, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, यह मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूम कर सामने दिखा तथा उसने वह सारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर तथा तुम्हें वचन देकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं, मैं भी इस संसार को साक्षी मानकर वचन देती हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था, उसमें भगवद् शक्ति का वास हो गया था, धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस हिरण के परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान उस जंगल में उतरता है और वे सभी शिकारी तथा हिरण का परिवार उस दिव्य विमान में देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हे देवी, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाई है, जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूं। हे गौरी, जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण करता है, उपवास करता है तथा निर्मल मन से पूजा पाठ करता है, मेरी कृपा दृष्टि सदैव उसके साथ रहती है। हे देवी, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं
आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।